सब्सक्राइब करें प्रमिला कुकबुक चैनल को और जुड़ जाइए स्वाद के अनूठे सफर से, और साथ ही प्रेस कीजिए बेल आइकन ताकि आप किसी अपडेट को मिस ना करें। हेलो फ्रेंड्स, खमागढ़ी, मैं हूँ प्रमिला सिंह, आपका स्वागत है मेरे अपने चैनल प्रमिला कुकबुक पर। फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं बिना दही की कढ़ी, जो कि हम इसमें दही या छाछ किसी का भी उपयोग नहीं करेंगे और उसके बिना ही हम ये कढ़ी बनाएंगे, और इसमें आप कई तरह की चीजें भी डालेंगे, उससे बहुत ही पौष्टिक बनती है और स्वादिष्ट लगती है। तो चलिए आज हम बनाते हैं बिना दही की कढ़ी। बिना दही की पौष्टिक कढ़ी बनाने के लिए जो जो सामग्री काम में आएगी वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लौकी ली है, इसको बड़े बड़े पीसेस में काट के रख दिया है, और इसके अंदर गाजर डालेंगे हम, तो मैंने गाजर भी काट के रखी है, और साथ में मैंने ऑयल रखा है इधर, मूंगफली का तेल, हरा धनिया थोड़ा सा, और एक टमाटर को मैंने काट के रख दिया है, और मैंने एक आलू लिया था उसको भी मैंने काट के रखा है, थोड़े से मैंने गोभी के ये टुकड़े इस तरह से बड़े बड़े काट के रख लिए हैं गोभी के, और इसको हमने गर्म पानी से धो के रख लिया है। और यहाँ पे मैंने ली है इमली, तो इसमें हम इमली की भी खटाई डालेंगे, और साथ ही साथ मैंने ली है कोकम, तो इसमें कोकम भी डलेगी इसके अंदर, और जीरा लिया है यहाँ पे मैंने थोड़ा, तो तड़के के काम में लेंगे हम जीरा, और साथ में हींग है तो हींग और जीरा तड़के के काम में लेंगे, हल्दी पाउडर थोड़ा इसमें डालेंगे, मेथी दाना लिए है मैंने, और 6-7 कुली मैंने ली है यहाँ पे लहसुन की, तो इसको हम बारीक काटेंगे, और मिर्ची को मैंने काट के रखा है लंबे स्लाइसेस में, और यहाँ पे मैंने एक प्याली छोटी प्याली बेसन लिया है, एक प्याज के मैंने स्लाइस करके रख दिए हैं, और लाल मिर्च पाउडर लिया है मैंने, और साथ में लिया है मैंने नमक हम डालेंगे स्वाद के अनुसार। तो कढ़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने गैस ऑन करके कुकर रखा है, और इसमें करीब 1.5 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाल दिया है, और अब इसके अंदर मैं एक टी स्पून ये दाना मेथी दाना सूखा ये डाल दूंगी, और 1/2 टी स्पून जीरा। मेथी दाना और जीरा को थोड़ा चटकने देंगे हम, इसको हिला लेंगे इसको, हमारा जीरा चटकने लग गया। मेथी दाना और जीरा डालने के बाद अब इसके अंदर हम बेसन डालेंगे, तो करीब 3 चम्मच फुल भर के मैं ये बेसन डाला है मैंने, और इसको हम हिलाएंगे, तो इस बेसन को हमको भूनना है इस ऑयल के अंदर, हल्का सा इसमें थोड़ा सा कलर आ जाए जब तक हम इसको भूनेंगे। बेसन को हम हिलाते रहेंगे ताकि जले नहीं, और इसमें से हल्की सी खुशबू आने लगी, थोड़ा कलर चेंज हो गया, तो अब हम इसमें पानी डालेंगे, इसको हिलाते रहें ताकि लम्स ना पड़े। इसको थोड़ा पतला रखना है, तो करीब 4-5 मग मैं पानी इसके अंदर डाल दूंगी भर के, और इसको हिलाते रहेंगे हम, इसको हम काफी पतला रखेंगे, जब बाद में ये पकेगी तब ये गाढ़ी हो जाएगी। तो मैंने 5 कप करीब पानी डाल दिया इसके अंदर, तो इसमें 1/2 चम्मच 1/2 टीस्पून मैं हल्दी डाल दूंगी, और 1 टीस्पून इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर, और नमक इसके अंदर थोड़ा हम पहले डाल देते हैं इसके अंदर, और यदि आपको कम लगे आप चख लें तो आप नमक उसमें बाद में भी मिला सकते हैं, नमक स्वाद के अनुसार। तो हमने नमक और थोड़ी मिर्ची और हल्दी को मिला लिया, अब इसको हम चला लेंगे थोड़ा, इसमें एक उबाल आएगा तब इसमें सब्जियां मिलाएंगे हम। कढ़ी में 1-2 उबाल आ गए हैं, तो अब इसके अंदर ये जो सब्जियां हैं, ये आलू हैं जैसे मैंने काट के रखे हैं धो के, और साथ ही साथ ये लौकी है, और भी कोई सब्जी आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, तो ये सब मैं इसके अंदर डाल दूंगी, ये बहुत ही पौष्टिक भी होती है, बिल्कुल सांभर की तरह, और इसमें सांभर और दाल कढ़ी सबका स्वाद आएगा आपको, और चावल के साथ ये विशेष रूप से अच्छी लगती है। तो गोभी भी मैंने डाल दी इसके अंदर, आलू डाल दिए, और ये जो टमाटर काट के रखे हैं वो भी हम डाल देंगे इसमें, और ये जो गाजर है वो भी डाल दी। ये कढ़ी के साथ ही पक जाएंगे, तो ये सब्जियां भी पक जाएगी और कढ़ी भी पक जाएगी, और जो इसका सारा जूस है वो कढ़ी में मिल जाएगा, तो कढ़ी बहुत ही टेस्टी बनेगी और पौष्टिक भी बनेगी।
और साथ ही साथ एक दो मिर्ची के टुकड़े भी मैं डाल देती हूँ। थोड़ा बहुत हम तड़के में डालेंगे और थोड़े इसके अंदर डाल देते हैं। सब्जियां डालने के बाद थोड़ा सा इसको हिला लिया मैंने, और अब इसके अंदर ये जो कोकम मैंने ली थी आपको बताई थी, तो मैंने इसको थोड़ा सा पानी में भिगो दिया था, तो वो पानी मैंने निकाल दिया। और ये जो कोकम है इसको हम इसी तरह से इसके अंदर डाल देंगे, चार पांच टुकड़े जो कोकम के हैं वो हम इसके अंदर डाल देंगे कढ़ी के अंदर। कोकम को हमने पकते समय ही सब्जियों के साथ ही डाल दिया है, और जो मैंने इमली बताई थी उसको भी पानी में भिगो के रख दिया मैंने। तो इमली का जो पल्प है वो हम बाद में डालेंगे जब ये सब्जियां वगैरह पक जाएगी और इसको खोलेंगे हम। तो अभी हम इसको, सब हमारी चीजें डल गई तो अब हम इसको ढक देंगे। चार सीटी के बाद मैंने ये कुकर खोल रही हूँ। चार सीटी आ गई हमारी, और ये देखिए आप हमारी कढ़ी है, जो कढ़ी भी पक गई और साथ ही साथ ये सब्जियां भी पक गई है। थोड़े बहुत टुकड़े हैं तो ये साथ में आते रहते हैं चावल के साथ और हम खाते हैं, तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। अब हम इसका तड़का तैयार करेंगे। तड़का तैयार करने से पहले हमने ये ढक्कन खोल दिया है। आप चाहें तो थोड़ी बहुत सब्जियों को इसको मैश भी कर सकते हैं इसके अंदर। और अब ये हमारा जो एक ये पल्प हमने इमली का निकाला है तो वो हम इसके अंदर डाल देंगे, इससे इसमें खटाई आएगी। और साथ में थोड़ी कोकम भी हमने डाली है और एक टमाटर भी डाला है, तो इसको हिला देंगे और इसको हम एक दो उबाल आने देंगे, फिर हटाएंगे और फिर हम इसमें तड़का डालेंगे। इमली का पल्प डालने के साथ साथ थोड़ा सा पानी डाल देंगे हम इसमें, क्योंकि ये कढ़ी हमारी गाढ़ी होती रहती है पड़ी पड़ी, तो थोड़ा सा इसमें हमने पानी डाल दिया है। और अब एक उबाल और आ जाएगा तब हम इसको बंद करेंगे। और आप इसमें चाहें तो बैंगन भी डाल सकते हैं, या फिर इसके अंदर आप मटर भी डाल सकते हैं, जो भी सब्जी आप चाहें इसके अंदर डाल सकते हैं। इमली का पल्प डालने के बाद दो तीन उबाल आ गए तो अब हम इसको हटा देंगे। मैंने गैस ऑन करके एक पैन रखा है और इसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है, आधी टी स्पून मैंने जीरा डाला है और आधी टी स्पून मेथी दाना, और थोड़ा पहले डाला था, और साथ में ये जो लहसुन हमने काट के रखा बारीक वो भी हम डाल देंगे इसके अंदर। लहसुन का इसके अंदर बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और साथ में ये प्याज जो मैंने स्लाइस करके रखा था वो भी डाल दूंगी इसके अंदर। इसको हल्का सा हम भून लेंगे प्याज को भी इसके साथ ही। प्याज का थोड़ा सा कलर आने लगा है तो हम इसमें ये जो मिर्ची हमने स्लाइस करके रख दी थी, हरी और लाल मिर्च, वो भी इसमें डाल देंगे तड़के में। और साथ ही साथ हींग डाल दूंगी मैं इसके अंदर, आधी टीस्पून इसमें हींग डाल दी मैंने, और इसको हिला लेंगे हम। अब इसके अंदर आधी टीस्पून मैं लाल मिर्च पाउडर डालूंगी, इसको हम हिला लेंगे। अब हमारा तड़का तैयार हो गया है। मैंने गैस ऑफ कर दिया, ये जो तड़का है ये हम इस कढ़ी में मिला देंगे। इसको हम हिला लेंगे और इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इस तड़के को डालने के बाद कढ़ी में। और अब हमारी ये कढ़ी तैयार है, बिल्कुल बिना दही की हमारी कढ़ी, और बहुत ही टेस्टी लगती है। और इसके अंदर सभी सब्जियां वगैरह है तो बहुत पौष्टिक भी होती है। और साथ में अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे ऊपर से, और इसे आप चावल के साथ एंजॉय कर सकते हैं। यह कढ़ी खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है, विशेष रूप से ये चावल के साथ खाई जाती है तो और भी स्वादिष्ट लगती है। और इसके अंदर जब सब्जियां वगैरह हमने डाली है तो उससे और भी पौष्टिक हो गई है। और इसके साथ जो हमने तड़का लगाया उसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है, और ये बिना दही के भी बहुत स्वादिष्ट लगती है। तो आप इसे जरूर जरूर ट्राई कीजिए, इसे बनाइए, खाइए और खिलाइए। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगली रेसिपी तक के लिए सब्सक्राइब करें प्रमिलास कुकबुक चैनल को, और जुड़ जाइए स्वाद के अनूठे सफर से, और साथ ही प्रेस कीजिए बेल आइकन ताकि आप किसी अपडेट को मिस ना करें।